एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है हमारी 20 डे स्ट्रेटजी का डे 10 और आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। उससे पहले अगर अभी तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो सारी डिटेल्ड वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो, अगर आपको आंसर पता है तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, साइड में कॉपी में अपने आंसर्स लिखते जाओ, स्कोर क्या रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो, इंडिपेंडेंस से पहले हम पर कौन रूल कर रहे थे, हम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने खुद के इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बर्बाद करने के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई, यानी कि ब्रिटिशर्स ने खुद के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और हमारे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई। तो देखो, बताते ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसके अंदर उन्होंने क्या करा, अगर इंडिया अपना फिनिश्ड गुड एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया का जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो पूरी दुनिया के अंदर फेमस था ब्रिटिश रूल से पहले। इंडिया वाज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। बट ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि भाई अगर इंडिया अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट यानी कि अपना फिनिश्ड गुड एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर इंडिया को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर इंडिया अपना प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा यानी कि अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा, अपना कॉटन, जूट, इंडिगो, सिल्क एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर इंडिया को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो टैक्स फ्री होगा। वहीं ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्होंने पॉलिसी बनाई कि भाई अगर इंडिया ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता है, ब्रिटिशर्स हमसे क्या करेंगे, हमारा रॉ मटेरियल लेकर जाएंगे और वहां पर जो ब्रिटेन के अंदर उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वहां पर फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे। तो अगर इंडिया उस ब्रिटेन से बने हुए फिनिश्ड गुड को इंपोर्ट करता है तो उस पर इंडिया को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो टैक्स फ्री होगा। तो इस तरह की एक भेदभाव वाली पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अपनाई जिसकी वजह से इंडिया क्या बन गया, इंडिया बन गया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बन गया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने पर इंडिया को टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। वहीं इंडिया बन गया इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, क्योंकि जब इंडिया ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता था तो उस पर इंडिया को टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो द ब्रिटिशर्स वांटेड टू मेक इंडिया एन इंपोर्टर ऑफ बोथ प्राइमरी गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। क्या ब्रिटिशर्स इंडिया को प्राइमरी गुड्स और फिनिश्ड गुड्स दोनों का इंपोर्टर बनाना चाहते थे? नहीं, वो सिर्फ फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर बनाना चाहते थे। प्राइमरी गुड्स तो उल्टा वो हमसे खरीदते थे, वी वर एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। द ब्रिटिश रूलर्स वांटेड टू मेक इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ बोथ प्राइमरी गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। क्या ब्रिटिशर्स हमें एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे प्राइमरी गुड्स और फिनिश्ड गुड्स दोनों का? भाई हमें वो प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे, फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्टर नहीं बनाना चाहते थे, वो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को उल्टा बर्बाद कर रहे थे। द ब्रिटिश रूलर्स वांटेड टू मेक इंडिया एन इंपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड एन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू ब्रिटेन। क्या ब्रिटिशर्स हमें इंपोर्टर बनाना चाहते थे प्राइमरी गुड्स का? नहीं, वो हमें एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे प्राइमरी गुड्स का। और क्या वो हमें एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे फिनिश्ड गुड्स का? नहीं, वो हमें फिनिश्ड गुड्स का एक्सपोर्टर बनाना नहीं चाहते थे। द ब्रिटिश रूलर्स वांटेड टू मेक इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। वो हमें एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे प्राइमरी गुड्स का, कि भाई इंडिया अपना कॉटन, जूट, इंडिगो, सिल्क, जो इंडिया का प्राइमरी गुड है, वो एक्सपोर्ट करे। किसे एक्सपोर्ट करे? ब्रिटेन को। और वहां पर ब्रिटेन के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वहां पर बहुत सारा फिनिश्ड गुड बने और वो इंडिया को क्या कर दे, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर दे, यानी कि वो इंडिया को इंपोर्टर बनाना चाहते थे फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। सो द करेक्ट आंसर इज 4th, कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो, ब्रिटिश रूल के टाइम पर क्या था, जमींदारी सिस्टम चलता था। अब ये जो जमींदार थे इनका मेन इंटरेस्ट क्या था, इनका मेन फोकस क्या था? देखो, ये जो जमींदार थे इनको हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन इंप्रूव करने से कोई मतलब नहीं था, इनको ना हमारे लैंडलेस फार्मर्स से मतलब था, इन्हें ना हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से मतलब था कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करे, वो बैकवर्ड ना रहे, इन्हें ऐसी किसी चीज से मतलब नहीं था। इनको ना हमारी कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड
इंटरेस्टेड थे, ना ये फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड थे, ना ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड थे. इनका मेन काम क्या था? द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वॉज टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द फार्मर्स. ये जमींदार क्या करते थे, हमारे बेचारे फार्मर्स यानी कि हमारे लैंडलेस फार्मर्स जिन्हें हम टिलर्स ऑफ द सॉइल कहते हैं, उनसे रेंट कलेक्ट करते थे और रेंट कलेक्ट करके किसको देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे. तो इनका मेन काम क्या था, रेंट कलेक्ट करना फार्मर्स से यानी कि हमारे लैंडलेस फार्मर्स से. थर्ड क्वेश्चन क्या है, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया. भाई ब्रिटिशर्स ने एक अच्छा काम भी करा था, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर रेलवेज इंट्रोड्यूस करी थी. क्यों इंट्रोड्यूस करी थी आप लोगों को पता है, ताकि वो जो ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड बना के ला रहे हैं उसे इंडिया के कोने कोने में वो सेल कर सके. पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने रेलवेज एस्टैब्लिश कर दी थी ताकि वो अपना फिनिश्ड गुड इंडिया के कोने कोने तक, हर कॉर्नर तक पहुंचा सके. तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर रेलवेज कब इंट्रोड्यूस करी थी, याद रखना है ईयर 1850 के अंदर. कब इंट्रोड्यूस करी थी, ईयर 1850 के अंदर. क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द हैंडीक्राफ्ट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. भाई ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया वाज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट. हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है वो पूरी वर्ल्ड के अंदर फेमस था, पूरी दुनिया में फेमस था, एंड वी वर वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट. बट ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या करा जिसकी वजह से हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई, हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर एकदम बर्बाद हो गया. तो रीजन क्या थे, न्यू पैटर्न्स ऑफ द डिमांड फॉर मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. देखो अब हमारे पास में क्या आ रहे थे, ब्रिटेन से हम लोग गुड्स इंपोर्ट करने लग गए थे. ये गुड्स कैसे थे, मशीन मेड गुड्स थे. तो कहीं ना कहीं हम लोगों की डिमांड बदल गई थी, अब हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे, हम उनके पहनावे को अडॉप्ट कर रहे थे. तो कहीं ना कहीं हमारे डिमांड का पैटर्न चेंज हो गया था, तो ये भी एक रीजन है. द कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, जो ब्रिटेन से प्रोडक्ट्स आ रहे थे वो मशीन से बने हुए थे, वहीं हमारे जो प्रोडक्ट्स थे वो हैंडीक्राफ्ट थे, हाथ से बने हुए थे. तो वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स एक तो सस्ते थे क्योंकि उनकी प्राइस कम आती है, जब मशीन से कोई चीज बनाते हैं तो वो चीज सस्ती पड़ती है. तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट को एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दे रहे थे, जिसकी वजह से हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुई. और सबसे मेन रीजन है द टैरिफ पॉलिसी फॉलोड बाय ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स जो टैरिफ पॉलिसी लेकर आए थे वो मेन रीजन है. ये टैरिफ पॉलिसी किससे रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी है. पॉलिसी क्या है भाई, अगर इंडिया अपना प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा, अगर इंडिया अपना प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा यानी कि कॉटन, जूट, इंडिगो, सिल्क, तो इंडिया को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो टैक्स फ्री होगा. वहीं इंडिया अगर ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता है, इंडिया अगर ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करता है तो उस पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो भी टैक्स फ्री होगा. तो भाई हम तो बहुत खुश होके इंपोर्ट करने लगे, इंपोर्ट कर रहे हैं, टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा, तो हमें वो चीजें सस्ती पड़ने लग गई. और हम देख रहे हैं यार प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करो ना, एक्सपोर्ट करने पे टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा. तो इस तरह की ब्रिटिशर्स टैरिफ पॉलिसी लेकर आए थे. तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुई. तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्हिच ईयर वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस सर्वे अंडरटेकन. इंडिया के अंदर कब पहली बार फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस सर्वे कंडक्ट करा गया. तो ये आंसर याद रखना है, आंसर है ईयर 1881. इंडिया के अंदर पहली बार फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस सर्वे कब कंडक्ट किया गया था, ईयर 1881 के अंदर. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस से पहले यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर रूल कर रही थी, तब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, स्टैग्नेंट था. स्टैग्नेंट मतलब ग्रोथ का कोई साइन देखने को नहीं मिल रहा था, बिल्कुल ऐसे ही रुका पड़ा था, बैकवर्ड था, टोटली हम लोग रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे, इरीगेशन के कोई साधन नहीं थे. तो एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, स्टैग्नेंट और बैकवर्ड था. इसके पीछे के मेन रीजन क्या है, तो मेन रीजन है लैंड सेटलमेंट सिस्टम. कौन सा रीजन है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम. इसे ध्यान से यही समझ लो, देखो इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक जमींदारी सिस्टम स्टार्ट करा. क्या स्टार्ट करा, जमींदारी सिस्टम. और इसके अंदर ब्रिटिशर्स ने एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप सेटअप करी. अब देखो इस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में एक तरफ तो आती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट. एक तरफ इसके अंदर आए हमारे जमींदार, कौन, हमारे जमींदार. और एक तरफ आए इसके अंदर हमारे टिलर्स ऑफ सॉइल, कौन, टिलर्स ऑफ सॉइल. अब ध्यान से समझना,
जमींदार वो लोग हैं जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास में बड़े बड़े खेत हैं खुद के, तो ये जमींदार हैं। टेलर्स ऑफ द सॉइल, टेलर्स ऑफ द सॉइल मतलब हमारे लैंड लेस फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स जिनके पास में खुद का लैंड नहीं है, ये किसके लैंड पर काम करते हैं? जमींदार के लैंड पर, जिनके पास में बड़े बड़े लैंड हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदार से बोला, भाई जमींदार, जमींदार का मतलब क्या है कि तुम इस जमीन, इस लैंड के क्या हो, ओनर हो, तुम इस लैंड के ओनर हो, बट इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें इन टिलर्स ऑफ द सॉइल से, इन बेचारे लैंडलेस फार्मर से रेंट कलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेंट कलेक्ट करना पड़ेगा और कलेक्ट करके हमको देना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे पास में जमींदारी रहेगी, यानी कि तुम इस लैंड के ओनर कहलाओगे, बट अगर तुम हमें टिलर्स ऑफ द सॉइल से रेंट कलेक्ट करके नहीं दोगे तो हम तुमसे तुम्हारी जमींदारी छीन लेंगे। सो दिस वॉज द ट्राइंगुलर रिलेशनशिप, ये किसके अंदर आई थी? लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर। और इसी रीजन की वजह से जमींदार तो डे बाय डे पैसे वाले होते गए, हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में बहुत पैसा आ रहा था, बट हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल जो हमारे एक्चुअल फार्मर से, जो बेचारे लैंडलेस फार्मर्स से जो एक्चुअली खेतीबाड़ी करते थे, इनकी कोई ग्रोथ नहीं हुई, इनकी पोजीशन एकदम डिक्लाइन होती गई। सो इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड था और स्टैग्नेंट था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द डीके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड? हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्यों डीके हुई, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों डिक्लाइन हुआ, रीजन बताना है तो मेन रीजन मैंने आपको पीछे भी बताया था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी मतलब टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसी, और ये पॉलिसी कैसी थी? डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि भेदभाव वाली, कि इंडिया अगर अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा टैक्स फ्री है। क्यों है टैक्स फ्री? क्योंकि उस रॉ मटेरियल की डिमांड ब्रिटेन के अंदर है, ब्रिटेन के अंदर जो कपड़ों की इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर उन रॉ मटेरियल की डिमांड थी। वहीं अगर इंडिया अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, बट अगर ब्रिटेन से उसका मशीन मेड प्रोडक्ट, फिनिश्ड वुड इम्पोर्ट कर रहा है तो वो टैक्स फ्री है। तो इस भेदभाव वाली पॉलिसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या हुई? डीके हुई। क्वेश्चन नंबर 7, विच ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन से साल को बोलते हैं? तो ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। रीजन क्या है इसके पीछे? कि भाई 1921 से पहले जो हमारी पॉपुलेशन थी, वो हर सेंसस में, हर 10 साल के अंदर पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, हर 10 साल के, यानी कि हर सेंसस में देखा जाता था कि इसी एक सेंसस में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, नेक्स्ट सेंसस में डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हो गई। मान लो 1901 के अंदर इंक्रीज हुई, 11 में डिक्रीज हो गई, 1921 में डिक्रीज हुई, तो इस तरह से 1921 से पहले पॉपुलेशन क्या थी? फ्लक्चुएट करती थी, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, बट ईयर 1921 के बाद से आज तक हमारी पॉपुलेशन कभी डिक्रीज नहीं हुई, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज ही हुई है, ग्राफ ऊपर ही गया है। दैट इज द रीजन ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, हूज एस्टिमेट्स ऑफ द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट? भाई कॉलोनियल पीरियड यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर रूल कर रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के अपने अपने एस्टीमेट्स दिए, अपने अपने तरीके बताए, बताई इतनी नेशनल इनकम है, इतनी पर कैपिटा इनकम है। फॉर एग्जांपल दादो भाई नरोजी ने भी बहुत सारे एस्टीमेट्स दिए और विलियम डिग्बे ने भी बहुत सारे एस्टीमेट्स दिए, बट हम लोगों ने किसके एस्टीमेट्स को सबसे सिग्निफिकेंट समझा? तो द करेक्ट आंसर इज VKRV राव, फुल फॉर्म भी आप लोग लर्न कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 इज, डैश इज द मेन पॉजिटिव contribution made by the British government in India। इस charter के last में given है कि British government का India के अंदर सबसे बड़ा positive contribution क्या था? क्या वो हमारे लिए अच्छा कर गए? तो the correct answer is railways। railways introduce करके गए, वो कौन से साल के अंदर? year 1850 के अंदर, जो आज भी हमारे लिए बहुत useful है, हमारी bulk of the population railways के through travel करती है, तो this was the main positive contribution made by the British government in India। last is the opening of dash canal in year dash significantly reduce the cost of transportation of goods from Britain and India। भाई किस कैनाल के ओपन होने की वजह से जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था इंडिया से ब्रिटेन के बीच में, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई? तो ये आंसर तो सबको पता होगा, कौन सा कैनाल था? स्विस कैनाल था। कौन से ईयर के अंदर ओपन हुआ था? तो ईयर है 1869। सो दिस वॉज डन, आज हम लोगों ने कर लिए हमारे चैप्टर नंबर 1 के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक अच्छे से इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। बाय फॉर नाउ।